हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन के करंट हम फीलिंग देखेंगे, उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके मन के अंदर क्या है आपको लेके, ये देखेंगे। रीडिंग जर्नल कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं, किसी भी पर्सन को लेके देख सकते हैं। साथ ही साथ व्यूअर्स, इस बात का ध्यान रखें कि ये जो रीडिंग है किसी एक पर्सन को लेके नहीं हो रही है, कलेक्टिव एनर्जी को लेके रीडिंग हो रही है। तो कुछ बातें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ बातें किसी और से रेजोनेट होंगी। तो ज़बरदस्ती सारी बातों को अपने ऊपर इम्पोज करने की, अपने ऊपर इम्प्लाई करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। जो आपसे रेजोनेट है उसे रखें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसको इग्नोर करें, ठीक है? सो चलिए देखते हैं आपके जो पर्सन है उनके मन में क्या चल रहा है। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, सो लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स हमें बताएं क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में, मेरे व्यूवर्स को लेके व्हाट दे आर फीलिंग। प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें, उनके ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स गाइड करें। सो वी हैव हर्मिट, नंबर 9 एनर्जी आती है यहाँ पे, ठीक है? 8 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड एंड दी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है? नंबर 9 यहाँ पे दो बार आया, तो ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बॉटम्स हमारे पास टावर है, 5 ऑफ कप्स भी है, और यहाँ पे सरक के आया हमारे पास द वर्ल्ड एनर्जी, ठीक है? विल ऑफ फॉर्च्यून, बहुत सॉलिड एनर्जी है व्यूअर्स। यहाँ पे मैं थोड़ा बस क्लैरिफाई कर लूँ कार्ड को ना, फिर हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करें। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स कार्ड को क्लेरिफाई करें, इन एनर्जीज को क्लेरिफाई करें। डिवाइन एंजल, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। ओके ओके, सो वी हैव कम्प्लीशन, प्लेफुलनेस, पोस्टपोनमेंट, वी हैव क्रिएटर एंड दी लेटिंग गो। यहाँ से बॉटम से आता है क्रिएटिविटी, यहाँ से हमारे पास ये अप डेक की एनर्जी है, ठीक है? मोमेंट टू मोमेंट, यहाँ पे आउटसाइडर है, ठीक है? गिव मी फ्यू सेकेंड। सबसे पहले मैं आपको राशि बता देती हूँ। तो यहाँ पे वर्गो राशि बहुत स्ट्रांग है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये कुछ राशि विवर्स यहाँ पे नज़र आती हैं, ठीक है? तो सो विवर्स, सबसे पहले यहाँ पे ना मुझे आपके पर्सन के व्यूअर्स यहाँ पे बहुत सारी, और आप और आपके पर्सन की बहुत सारी पुरानी यादें नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन राइट नाउ व्यूअर्स एक हर्मिट मोड के अंदर है, जहाँ पर आपके पर्सन अपनी लाइफ में जैसे कि बहुत पीछे चले गए, जहाँ पर एक ऐसा वक्त आपके पर्सन यहाँ पे फील कर पा रहे हैं जहाँ पे किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। एक रिश्ता ऐसा जिसमें हर तरह की अबेंडेंस है। अबेंडेंस को व्यूअर्स समवेयर लोग एक्सप्लेन कर नहीं पाते हैं, या फिर समवेयर समझ नहीं पाते हैं, कुछ भी आप कहें। अबेंडेंस मतलब एक तरह का एक ऐसा दौर, एक ऐसा वक्त जहाँ पर आप जो चाह रहे हो आपको वो मिल रहा है, आपकी हर एक दिल की ख्वाहिशें पूरी हो रही है, आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील कर रहे हो। वही एनर्जी है ना, कि मतलब लाइफ में सब कुछ मिल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि हवाओं में है और लाइफ बेहतरीन से बेहतरीन हो गई है। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में ऐसा ये ज़्यादा देर नहीं चल पाया आपके पर्सन व्यूअर्स, इसीलिए मुझे नज़र आ रहा है कि आज इनके लाइफ के अंदर कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है, इस पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसा घटा है, कोई ऐसे परिवर्तन आए हैं जिससे ये पर्सन व्यूअर्स इस कनेक्शन को याद करने पे मुझे यहाँ पे मजबूर नज़र आ रहे हैं। जैसे अकेले बैठ के सोच रहे हैं उस वक्त के बारे में कि यार वो भी क्या वक्त था, हम दोनों का रिश्ता भी क्या रिश्ता था, एक दूसरे के साथ में जब हम होते थे तो एक दूसरे को पूरा करते थे, कोई कमी महसूस नहीं होती थी जब भी वो आपके साथ होते थे। लाइफ में लगता था जैसे कि कंप्लीट हो गई, अब कुछ पाने की इच्छा नहीं रही, सब कुछ मिल गया यूनिवर्स से या फिर कहीं ना कहीं लाइफ से, जैसे सब कुछ मिल गया हो, अब कुछ और चाहत ही नहीं बची लाइफ के अंदर, ठीक है? जैसे कि फुल इंजॉय किया इस लाइफ को, फुल
दिल से इंजॉय करना, जहाँ पर आपको किसी को कुछ कहना नहीं, किसी को कुछ बताना नहीं, कुछ सुनना नहीं, ऐसी एनर्जी में गाइस मुझे आपके पर्सन राइट नाउ नज़र आ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, लेकिन ये रिवर्स हुआ है आपके रिलेशनशिप में कि कुछ कुछ एक्शन थे, ठीक है, आपके पर्सन देखो एक अच्छा वक्त भी याद कर रहे हैं और ऐसा वक्त भी याद कर रहे हैं जहाँ पर एक धोखा भी घटा है, ठीक है, एक धोखा भी हुआ है, एक इनजस्टिस भी हुआ है, एक वादा खिलाफी भी हुई है, कहीं ना कहीं अपने अपने कामों को पूरा नहीं किया गया है, भागा गया है, अपने अपने इमेच्योरिटी को छुपाया गया है, वो भी एनर्जी का इस यहाँ पे देखी जा सकती है। जैसे ये पर्सन अपने अपनी वीकनेस एक पर्दे के पीछे रख के हाइड करके चल रहे थे, दिखा कुछ और रहे थे, जता कुछ और रहे थे। इस पर्सन को जैसे कि कुछ करना था आपके लिए व्यूवर्स, क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है विद द सेवन ऑफ सोर्ड एंड द क्रिएटर कि इस पर्सन ने जो करना था वो तो किया नहीं और जो नहीं करना था वो कर बैठे आपके पर्सन, उसको लेके मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इन्होंने अपनी जो खुशी इनको पास्ट में मिल रही थी उसको भी गंवा बैठे विद द टावर कार्ड, है ना। एनर्जी गाइज यही दिखाई दे रही है, इस पर्सन को आज समझ में आने लगा है कहीं ना कहीं कि यार एक बेहतरीन रिश्ता, एक बेहतरीन इंसान, एक ऐसा इंसान जिसके साथ में तन्हाइयाँ तन्हाइयाँ नहीं लगती थी, जिसके होने से तन्हाइयाँ वीरानियाँ एक एक खुशनुमा पल में बदल जाती थी और ज़िंदगी जीने का मज़ा जो था ना वो उस वक्त में था, उस पल में था, और आज वो वक्त नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो पल नहीं है, सब कुछ बिखर चुका है, सब कुछ छिन चुका है। अब ये डब इसे भाग्य कहें, इसे क्या कहें, समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसा क्यों हो गया, किस वजह से हो गया विवर्स, आज आपके पर्सन मुझे उन चीज़ों को देखते हुए नज़र आ रहे हैं। हुआ तो कहीं ना कहीं केयरलेसनेस की वजह से है, एक धोखे की वजह से यहाँ पे नज़र आता है। सीधे सीधे विवर्स अगर हम इन चीज़ों को देखें तो ऐसा नज़र आता है विद अ पोस्टपोनमेंट कार्ड एंड द थ्री ऑफ वैंड्स की इस पर्सन ने विवर्स आपके लिए कुछ डिसीजन लेने थे, कोई एक्शन करना था, ठीक है, एक तरह से आगे बढ़ना था, पर इस पर्सन ने कहीं ना कहीं जैसे घबरा गए किसी बात से, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, या फिर इन्होंने अपना रास्ता ही बदल लिया, ठीक है, बार बार किसी बात को जैसे ये टालते रहे कि आज नहीं फिर कभी बात कर लेंगे, या फिर आज नहीं फिर कभी कोई एक्शन ले लेंगे, ठीक है, जैसे कि मे भी हो सकता है शादी को लेके हो सकता है, आप दोनों के बीच में शादी को लेके कुछ था, लेकिन ये पर्सन हिम्मत नहीं दिखा पाए। इस पर्सन के अंदर थोड़ी वीकनेस तो मुझे नज़र आती है, एक तरह का करेज इस पर्सन के अंदर नहीं है, ठीक है, जिस वजह से भी बस बार 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 आपके पर्सन उस इनको लग रहा था कि ये इनसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसीलिए भी बस आपके पर्सन नज़र आ रहा है, जैसे इनको लगा कि इनसे नहीं हो पाएगा, इनका फोकस कहीं ना कहीं आपसे डगमगा गया और ये अपने भूल बैठे कि आप दोनों का रिश्ता किस तरह से बना, किस तरह से आप दोनों एक दूसरे के करीब आए, किस कितने आगे आप बढ़ चुके उस कनेक्शन के अंदर, आपके पर्सन ये सब कुछ कहीं ना कहीं भूल बैठे और फिर इन्होंने कोई दूसरा रास्ता चुना जो कि कहीं ना कहीं एक तरह की चीटिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, धोखे को भी रिप्रेजेंट करता है और अपने कमिटमेंट से भागना भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इनको लगा कि ये कनेक्शन कहीं ना कहीं लेट गो कर दें, उसी में इनकी भलाई है, उसी में कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, हालात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इनको ये रिश्ता इतना याद आएगा, ठीक है, कि बीते लम्हे इनको इतने याद आएंगे कि इनको ही रुला जाएंगे, इन्हीं को तड़पा जाएंगे, इन्हीं को अकेलापन फील करा जाएंगे और इस अकेलेपन में ये आप ही को याद कर बैठेंगे, आप ही को कहीं ना कहीं मतलब फिर से पाने की ख्वाहिश है इस पर्सन के मन में इतनी जागने लगेंगी कि ये उनको कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, एक अधूरापन इस पर्सन को बार बार तड़पाएगा, एहसास दिलाएगा कि तुमने किसी के साथ में गलत किया है, तुमने किसी के साथ में जस्टिस नहीं किया है, ठीक है, तुम अपने कमिटमेंट से पीछे भागे, जैसे कावर्ड की एनर्जी होती है ना वैसी एनर्जी गाइस इस पर्सन की मैं देख रही हूँ कि जब बात आई थी इस टावर मूवमेंट को फेस करने की, आपके पर्सन ने वहीं पर अपनी हिम्मत को मतलब जैसे कि छोड़ दिया, है ना, अपनी हिम्मत नहीं आपके आपके पर्सन दिखा पाए और इसी वजह से व्यूअर्स आपका जो कनेक्शन है ना मुझे यहाँ पे टूटा हुआ सा नज़र आता है, बिखरा हुआ सा नज़र आता है, ठीक है। तो ये कुछ व्यूअर्स आपके पर्सन राइट ना मुझे नज़र आ रहा है जैसे पास्ट में चले गए, बहुत बहुत लेटर पास्ट में, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत हैप्पी थे, बिफोर चीटिंग, बिफोर धोखा, जो भी आप कहें, और देखते हैं इस पर्सन के मन में और क्या चल रहा है, अब ये चाहते क्या हैं, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अब चाहते क्या हैं, प्लीज़ यूनिवर्स इस कनेक्शन के बारे में हमें बताएं, इनके पार्टनर अब चाहते क्या हैं। ओके, वी हैव ब्रेक थ्रू, मोमेंट टू मोमेंट वी हैव करेज, क्या बात है भाई, एडवेंचर,
सबसे पहले व्यूवर्स, मुझे आपके पर्सन की तरफ से एनर्जी मिल रही है विद द ब्रेक थ्रू कार्ड कि आपके पर्सन आपके कनेक्शन में ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं, जो उस वक्त नहीं कर पाए। आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि यार अगर मुझे एक मौका मिले तो मैं इस बार करके दिखाऊंगा या करके दिखाऊंगी, ठीक है, और अपने हालातों से ये ओवरकम करना चाहते हैं। इस कनेक्शन में ब्रेक थ्रू मतलब एक चांस ऐसा जो इस कनेक्शन में इस पर्सन को वापस से ले आए, ये कनेक्शन इस पर्सन को वापस से मिल जाए। मैंने बोला था ना कि पास्ट बहुत खूबसूरत रहा है, ठीक है, जैसे कि जब मिलते थे तो कम्प्लीटनेस आती थी, फीलिंग होती थी कि नाउ इट्स कम्प्लीट, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, परफेक्टली गोइंग ऑन लाइफ में, और चाहिए क्या। तो बस वही तो इन्हें वापस चाहिए, वही तो आपके पर्सन जानते हैं कि बस ये रिश्ता, ये इंसान, ये खूबसूरत से लम्हे इस पर्सन की लाइफ में वापस आ जाए, वो फिर से अपनी लाइफ को जिंदा दिली से जी सके, वो फिर से लाइफ को इंजॉय कर सके, वो फिर से आपसे कनेक्ट हो सके, वो फिर से आपके हो सके, वो फिर से खुश रह सके, जो खुशी इनके पास में राइट नाउ में नहीं है। आपको कोई भी कार्ड ऐसा नज़र आया जहाँ पर आपके पर्सन खुश हो? मुझे तो नहीं नज़र आता, करंट एनर्जी में नहीं नज़र आता, ठीक है, जो हमारे पास अभी एनर्जी आई है इसमें तो हम इस पर्सन को खुश नहीं देख सकते, क्योंकि इनकी खुशी व्यूअर्स चली गई, आप गए इनकी खुशी को साथ में ले गए, या फिर ये गए वाइस वर्सा, आपके पर्सन गए आपकी खुशी को अपने साथ ले गए, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं व्यूअर्स। वो एनर्जी गाइस यहाँ पे फील होती है, आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे करेज की एनर्जी को साथ में लेके आए, जो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपके पर्सन कुछ हिम्मत दिखाना चाहते हैं, ठीक है, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं जो इस पर्सन ने पहले नहीं लिए थे, ठीक है। इनको लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, हम सेफ़ रहे, हम क्यों मुसीबतों को, परेशानियों को दावत दें, है ना, इनको ऐसा लग रहा था जैसा चलता चलाते रहो मुसीबतें आएंगी और मैं फेस नहीं कर पाऊंगा या फेस नहीं कर पाऊंगी, जस्ट गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में थे आपके पर्सन। लेकिन राइट नाउ व्यूअर्स ऐसा नज़र आता है दे वॉन्ट टू टेक एक्शन फॉर दिस कनेक्शन, क्योंकि इस पर्सन को व्यूअर्स ये जो एनर्जी है, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो लाइफ है, आपका जो रिश्ता है, बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहा है, इस पर्सन को अपनी तरफ खींच रहा है। जैसे कहते हैं ना एक ऐसी लाइट यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है जिसको हम रेनबो लाइट कह रहे हैं, और यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं भी डार्कनेस है, और आपके पर्सन व्यूअर्स इसी वजह से आपकी तरफ मुझे एक्साइटमेंट में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इनके मन में यही चल रहा है कि मुझे बस इस एनर्जी से बाहर निकलना है, मुझे उस इंसान से मिलना है, मुझे फिर से अपनी लाइफ को वैसे ही जीना है जैसे मैं कभी पास्ट में जिया करता था या करती थी, है ना। तो ये जिंदगी का, जैसे कि जिंदगी को जीना भूल गए हैं आपके पर्सन, मैं ये कहूँगी, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं ये पर्सन इनके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल, मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल। ओके, सो वी हैव हैंगमैन, फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड, बॉटम से आता है टू ऑफ कप्स, यहाँ से आता है वर्ल्ड। एक्शन आपके सामने व्यूअर्स, इस पर्सन को आपका रिश्ता बहुत रड़पाने वाला है, बहुत रुलाने वाला है, जिस तरह से आप भी रोए हो ना। देखो प्यार तो दोनों तरफ होता है ना, लेकिन एक पर्सन समझ नहीं पाया, इस डजन मीन कि उसके मन में पहले प्यार नहीं था, या फिर कभी ना कभी तो उसने प्यार किया ही होगा, है ना, कभी ना कभी तो इंसान बहका ही होगा। तो व्यूअर्स वही एनर्जी नज़र आ रही है कि ये पर्सन को भी आपके प्यार का एहसास तो होगा, ये पर्सन भी आपके लिए रोने वाले मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, करेंटली भी वही रो रहे हैं, वही अकेलापन फील कर रहे हैं, वही अपनी लाइफ में मतलब एक अनस्टेबिलिटी फील कर रहे हैं, और इस कनेक्शन को लेके मुझे यहाँ पर एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं विद द वर्ल्ड कार्ड। दे नीड मतलब अकम्प्लिशमेंट और फुलफिलमेंट, ठीक है, अगेन टुगेदरनेस की एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पर फील हो रही है। तो ये एक्शन आपके पर्सन की तरफ से व्यूअर्स, जिससे ये एनर्जी नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं फिर से वो आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे, फिर से वो अपनी लाइफ को आपके साथ ही कंप्लीट करना चाहेंगे, जो कम्प्लीटनेस उन्होंने पहले छोड़ दी, एक्शन लेते लेते छोड़ दी है, अब वो यहाँ पे एक्शन लेते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स आपके पर्सन की तरफ से एनर्जी, ओके। और जिन भी लोगों से व्यूअर्स ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये क्लेम नहीं करती कि 100% हर एक से रेजोनेट होगा, लेकिन जिससे जितना भी रेजोनेट होता है आप यूनिवर्स से क्लेम करें कि ये एनर्जी आपके लिए वर्क करे, ठीक है, क्योंकि देर इज़ अ साइन ऑफ रीयूनियन, है ना, यहाँ पर रीयूनियन के साइन सिम्टम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को एहसास हो रहा है आपके ना होने का, और आपके बिना जीना इस पर्सन के लिए मुश्किल मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ओके, तो रीडिंग को क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी और वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुश रहिए, ओके, सो बाय, टेक केयर।